एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट लेटा हुआ है, डॉक्टर्स उसकी सर्जरी कर रहे हैं, पेशेंट बेहोश है। सोचिए अगर इस सर्जरी के दौरान पेशेंट होश में आ जाए तो क्या होगा, ये तो सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब ऐसा ना हो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं एनेस्थीजियोलॉजिस्ट। अब इनका काम होता है किसी भी सर्जरी से पहले पेशेंट को बेहोश या फिर सुन करना एनेस्थीजिया की मदद से। साथ ही इस बात का ध्यान रखना कि सर्जरी के दौरान पेशेंट को कुछ भी फील ना हो, उसे किसी भी तरह का खतरा ना हो। अब पहले मुझे ये लगता था कि किसी को बेहोश करना क्या मुश्किल काम है, कोई गैस सुंघा दी जाती होगी, इंसान बेहोश, सिंपल। पर मैं बिल्कुल गलत थी। हम गए अपोलो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल दिल्ली। यहाँ एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा कि किसी पेशेंट को कैसे बेहोश किया जाता है। ये भी पता चल गया कि पूरे ऑपरेशन के दौरान पेशेंट होश में क्यों नहीं आता है। हमारी बात हुई डॉक्टर दिनेश पवार से, जिन्होंने एनेस्थीसिया से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हमें दिखाई। आप भी देखिए। तो जब हम पूरा बेहोश करते हैं या फिर हम कमर में इंजेक्शन देते हैं, जो एयरवे असेसमेंट है वो हम फ्री हैंड करते हैं। हम उनका डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं कि इनमें कोई फैक्टर्स जो हैं जिनका स्पेशल प्रिकॉशंस लेना चाहिए या कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे कोई पेशेंट किसी दवाई से एलर्जिक होता है जो उसे पता होता है, हम पहले ही फ्री हैंड जान लेते हैं। या फिर कोई मेडिकल कंडीशन हो पेशेंट में, जैसे किसी में एडल्ट्स में ब्लड प्रेशर कॉमन है, डायबिटीज़ कॉमन है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती है, किसी को अकड़ी का झटका आता होता है, ऐसे अदर डिजीज़ होती है हर सिस्टम वाइज, हार्ट का सिस्टम, लंग का सिस्टम, किडनी सिस्टम, लिवर सिस्टम, ये सारे सिस्टम वाइज हम असेसमेंट करते हैं। और जब ये असेसमेंट होता है इसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। ये तो मैंने एक हिस्ट्री बताई आपको रफली, उसके अलावा एयरवे जो हमारी सांस नली का है, क्योंकि जब हम पूरा बेहोश करते हैं, आपने टर्म सुनी होगी कि कमर में इंजेक्शन देना या फिर पूरा बेहोश करना। तो जब हम पूरा बेहोश करते हैं या फिर हम कमर में इंजेक्शन देते हैं, जो एयरवे असेसमेंट है वो हम फ्री हैंड करते हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड रहें जब हम पेशेंट को सर्जरी के लिए लें, उस मोमेंट पे हम भाग दौड़ नहीं कर सकते। पेशेंट ओटी में आता है, खाली पेट आते हैं पेशेंट, कम से कम 6 से 8 घंटे, डिपेंड करता है सर्जरी कौन सी है। सारा चीज़ें मॉनिटर होता है, हार्ट रेट, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन, उनका ब्लड प्रेशर, उनके हम जो एजेंट्स दे रहे हैं एनेस्थेटिक एजेंट्स, कुछ दवाइयां हम इंजेक्शन से देते हैं, कुछ दवाइयां हम गैस के फॉर्म में देते हैं। ये पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें एक प्लेन मेंटेन करना होता है, एनेस्थीसिया प्लेन बोलते हैं उनको, उनको इतना डीप रखना है कि उनको समझ में ना आए। इट्स लाइक अ इंड्यूस स्लीप, बट सिर्फ नॉर्मल स्लीप नहीं है, इसमें सर्जरी चल रही है पेशेंट के ऊपर, तो इसका एहसास उन्हें नहीं होना चाहिए। तो इसको एनेस्थीसिया, इंट्रॉप एनेस्थीसिया बोलते हैं। और ये जो पीछे आपके मॉनिटर चल रहा है, मॉनिटर दिखाइएगा प्लीज़, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें गाइड करती हैं कि वो कैसे चल रहा है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर आ रहा है जो दिख रहा है, ऊपर हार्ट रेट ग्रीन, इसमें हार्ट रेट है, ब्लू इसमें ऑक्सीजन है, उसके नीचे और एक ऑक्सीजन पैरामीटर है कि सर्किट में कितना ऑक्सीजन जा रहा है, एंड पीछे पीला जो है वो हमारी एनेस्थेटिक गैस है सीवोफ्लुरेन, वो पीले कलर में डिनोट होती है। और सर्जरी ख़त्म जब हो जाती है उनको वापस जगाना है, जगाने के बाद में ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को हम बाहर रिकवरी एरिया में 1.5 से 2 घंटा ऑब्जर्व करते हैं, एंड उसके बाद में वार्ड में भेजते हैं। एनेस्थीसिया तब शुरू होता है जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आता है, ओके, जब टेबल पे, ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे जब पेशेंट आता है तब एनेस्थीसिया शुरू होता है, रूम से कुछ शुरू नहीं होता। जब ऑपरेशन वार्ड में होते हैं या रूम में होते हैं ना, वहाँ पे कुछ नहीं देते हम। जब पूरा बेहोश करते हैं तो हम दवाई देते हैं, पेशेंट को सुला देते हैं, और उनका ब्रीदिंग के लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं हम उसे, वो ट्यूब डाली जाती है अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एंड उनको फिर ऑक्सीजन मशीन से दिया जाता है, वो वेंटिलेटर बोलते हैं उसको, ये इंट्रॉप वेंटिलेट करते हैं, वेंटिलेट करना यानी सांस देना। उस दौरान हम उनको ऑक्सीजन देते हैं और अदर एनेस्थीसिया गैसेस देते हैं। वो स्पेसिफिक होता है कि उस सर्जरी के लिए हम कौन सा प्रिफर करेंगे ओवर द टाइम, हमें वो पता है किताबों से पढ़ के वगैरह, हम
उसको पर्टिकुलर पेशेंट में क्या यूज करना है वो हम उस हिसाब से करते हैं। दिस इज एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन। ओके, यहाँ पे गैसेस का नॉब्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रस एंड एयर। इससे हम कंट्रोल करते हैं कि कितना फ्लो रखना है। ये डिजिटल ये लेवल हमें बताता है कि कितना जा रहा है, ये लीटर्स में है, 0.5, 1, 5, 10, 15, ये लेवल तक जा सकते हैं। हम काफ़ी लो फ्लो पे रखते हैं दौरान सर्जरी के दौरान, यहाँ पे हमारा कितना जा रहा है, कितना लीटर जा रहा है, वो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो और पेशेंट का वेंटिलेशन कितना करना है ये इस पर हमने सेट किया हुआ है कि हमें एक इक्विलिब्रियम अचीव रखना है जो नॉर्मल रेंज में हो, कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, इस पेशेंट के वेट के हिसाब से हमने सेट किया हुआ है। एंड ये जो ग्राफ्स देख रहे हैं आप, ये हमें पेशेंट का प्रेशर का अंदाज़ा देते हैं, फिर यहाँ पे कितना हर सांस कितने ml की जा रही है हम इस पे ध्यान रखते हैं, एंड कितनी बाहर जा रही है। तो ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है, ये जो ट्यूबिंग्स हैं ये सारी पेशेंट को जा रही हैं और पेशेंट से वापस भी आ रही है। और ये जो गैस है, दूसरी बात जो गैस की बात कर रहे थे ना, वो डिलीवर यहाँ से हो रहा है, ये हमारा वेपराइजर है। ये गैस मशीन में भरी हुई है? यस, ये जो है ये फिलिंग नॉब है हमारी, अभी इसमें ये जो है, अब ये दूसरा एजेंट है, यूज़ हम ये कर रहे हैं, बट इसमें आप देखेंगे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के बियॉन्ड एक ट्यूब दिख रही है, तो ये लेवल तक गैस है अभी इसमें, बट ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ज़ीरो है, बंद रखा हुआ। इसमें देखेंगे यहाँ पे मार्किंग्स हैं कितना हम गैस डिलीवर कर रहे हैं। सर, इसमें गैस कहाँ से आती है, भरी जाती है? इट्स अ लिक्विड, वो लिक्विड को हम इसमें डालते हैं, एंड ये दिस इज़ वेपराइजर। वेपराइजर यानी उस लिक्विड को वो गैस फॉर्म में वेपराइज करके कंट्रोल जो वैल्यू है उतना ही हम पेशेंट को डिलीवर करते हैं। एंड इसमें डायल्स होते हैं, नंबर होते हैं 1, 2, 8, उस हिसाब से हम सेट करते हैं हमें जो अभी डिलीवर एक एनेस्थीसिया लेवल प्लेन अचीव करना है उस हिसाब से। जब अगर बीच में ये ख़त्म भी होने आता है तो हम इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये बंद हो गया, एंड फिर इसे खोल के एक बॉटल होती है, ये लॉक्ड होता है, अभी मैंने खोला है फिर भी गैस बाहर नहीं आएगी, और फिर हम इसमें फिल करेंगे, फिर इसे बंद करके कंप्लीट जब टाइट हो जाएगा फिर हम इसे ऑन। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया, ये लोकल एनेस्थीसिया जब कोई छोटा सा मांस निकालना है, छोटा सा कोई चीज़ निकालना है या कोई कट लग गया है और उसको स्टिच करना है, उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया यूज़ कर सकते हैं। जैसे बड़ी सर्जरीज होती है वो लोकल एनेस्थीसिया में नहीं पॉसिबल होती है। तो कुछ सर्जरीज के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम यूज़ कर सकते हैं। स्पाइनल यानी स्पाइन में दी जाती है रीढ़ की हड्डी, वहाँ से जहाँ से नर्व्स निकलती हैं, हमारी नर्व्स जहाँ पे निकलती हैं वो नर्व्स है ना, एक फ्लूइड में कंटेंट होती हैं, हम वो ड्रग CSF बोलते हैं उसे, वहाँ पे ड्रग मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं यस पीठ में, अंडर ऑल असेप्टिक प्रिकॉशंस सारा पीठ क्लीन किया जाता है बीटाडिन सॉल्यूशन से। एंड पर्टिकुलर उस पेशेंट के लिए कितना डोज देना है, कौन सी सर्जरी है, ये सारा प्री हैंड डिसाइड होता है, एंड उतना ड्रग दिया जाता है ताकि जिस ड्यूरेशन के लिए अपने को सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया चाहिए वो पूरा ड्यूरेशन के लिए वो एनेस्थीसिया इफेक्टिव रहे। एंड उसमें कैसे होता है, स्पाइनल में अपना आधा शरीर सुन्न हो जाता है इस पेट के नीचे, कॉमनली सीजेरियन सेक्शन, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज फॉर लोअर लिम्ब, वो स्पाइनल सर्जरी में पॉसिबल है। जनरल एनेस्थीसिया, इन कंप्लीट एनेस्थीसिया भी यूज़ करते हैं काफ़ी टर्म, एज अ साइंटिफिक पर्सन वी यूज़ टर्म एज जनरल एनेस्थीसिया। इसमें पूरा बेहोश किया जाता है, पूरा बेहोश करने में कैसे है, पेशेंट को हम मीन्स वेंटिलेटर के द्वारा सांस देते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, और पेशेंट का एनेस्थीसिया मेंटेन करते हैं। हमने पेशेंट को नींद की दवाई दी, पैरालाइज कर दिया, फिर उसको ट्यूब डाली उसके सांस देने के लिए जो हमें हेल्प करेगी, एंड उसको सर्किट से हम अभी
वेंटिलेट कर रहे हैं। ये जो सांस दे रहा है, वो जो बलून नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। यस। हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि अभी सर्जरी ख़त्म हो रही है और सर्जन हमें बता देते हैं कि आई एम अबाउट टू फिनिश, तो हम जो मेडिसिन हैं उसको स्टॉप कर देते हैं जिनको टाइम लगता है वॉश आउट होने में, एंड उस हिसाब से हम टाइम करके पेशेंट को उठाते हैं। तो देखा आपने, एनेस्थीसिया देना आसान नहीं है। अब सर्जरी 1 घंटे चले या फिर 10 घंटे, इन डॉक्टर्स को बहुत ही बारीकी से पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है कि उसकी हालत स्टेबल रहे और वो होश में ना आए। आज सेहत पर इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।